चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव नतीजों के दौरान वोटों की गिनती जानबूझकर कम स्पीड से की गई। तो वहीं कुछ नेताओं ने तो ईवीएम तक पर सवाल उठा दिए। आयोग ने खड़गे को लिखे पत्र में कांग्रेस नेताओं के मिलने की बात मानी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत हासिल हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन की सराहना की थी। वहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, लोगों ने बहुत उम्मीद जताई है, हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमें स्टेटहुड का दर्जा मिले। 370 पर हमारा स्टेट वही है जो पहले था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा तो मंगलवार को चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत बताया और फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम को सही और जब हारते हैं तो ईवीएम में खराबी बताते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिससे सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर ही निशाना साधा। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हमें बांटना चाहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने दक्षिणी हरियाणा में नए नए नेता बनाने चाहे, आज तक जो खुद नेता नहीं बन पाए उन्होंने हमारे 40 वर्षों के परिश्रम में बाधा डालने की कोशिश की। इस बार अहिरवार ने तीसरी बार सरकार बनाई, नए लोगों को टिकट दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में त्योहारी वक्त देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अहम एडवाइजरी जारी की। आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, महानवमी, दशहरा को देखते हुए आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन में योजनाबद्ध पुलिस प्रबंध किए जाए, जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉक्स फॉर्मेट में पुलिस प्रबंध किए जाए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सभी जनपदों में विशेष पिछड़ी जनजाति पंडों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व मामले, आयुष्मान कार्ड निर्माण, आधार अपडेशन का कार्य, टीकाकरण, टीवी जांच के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारियों की टीम गाँव में जाकर शिविर लगाकर उनकी समस्याओं को सुनती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर स्थित होटल ललित में आयोजित राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस समिट में पर्यटन क्षेत्र में 142 निवेश प्रस्तावों के एमओयू से प्रदेश में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बसपा एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है जिसे लेकर पार्टी प्रमुख मायावती बेचैन नजर आ रही हैं। हरियाणा में इनेलो के साथ मिलकर लड़ने के बाद भी बसपा सबसे बड़ी लूजर कही जा रही है। लेकिन इस बीच मायावती ने हरियाणा चुनाव में मिली शिकस्त का ठीकरा जाट समुदाय पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट समाज में बंटकर रह गया। हरियाणा में जीत को लेकर बीजेपी की नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि मैं बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद करती हूं। हरियाणा में जीत के लिए बीजेपी के परिवार ने काफी मेहनत की, पीएम मोदी जी के लक्ष्य को गति प्रदान की और जम्मू में हम सरकार नहीं बना पाए उसके लिए अफसोस है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि रविंद्र रैना ने खुद इस दावे को फेक बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है।